पीसीएमटी न्यूज़ में अंकुश निकाल सिंह हरी अपडेट दिन भर की खास खबर। आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। शहर में कई स्थानों पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर डाला उनके जीवन पर प्रकाश। रेलवे पुल के तीसरे लेग निर्माण के चलते बन रही आरसीसी सड़क के दौरान आवागमन के दौरान हुआ विवाद, दोनों पक्ष पहुंचे सिटी कोतवाली। और खरी फाटक क्षेत्र में प्रारंभ हो गया है रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण का कार्य, क्षेत्रीय लोगों में है हर्ष। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन के निवास पर आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित अन्य नेतागण उपस्थित रहे और भारत माता के जयकारे भी लगाए। खरी फाटक क्षेत्र में निर्माणाधीन रेलवे पुल के तीसरे लेग निर्माण के दौरान आरसीसी सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। आवागमन के दौरान राहगीर को रोकने के चलते विवाद की स्थिति बनी थी, जिसके चलते दोनों पक्ष सिटी कोतवाली पहुंचे। जाट सिंह जी, कहाँ ये रोड कौन सा है? कहाँ ये गल्ला मंडी खरी फाटक रोड विदिशा है। काम क्यों बंद है? ये काम इसलिए बंद है कि रात में ये लोग तो बाहर परदेश ये रोड बनाने आए और वो बना रहे थे और अपना काम कर रहे थे, फिर कुछ खुरापाती तत्व जो रहवासी नहीं है चूंकि दोनों साइड के, जो ब्रिज में पहले आंदोलन भी किया था उनमें से कोई नहीं है, अब इसके बाद में ये इनने ड्राइंग चेंज करके ये बना रहा है, बहुत बेस्ट बना रहा है, डबल वन भी बन रहा है, डबल ड्रेकर भी निकाल लो इस पर, इनमें बहुत अच्छी खूबियाँ। वो अपना काम कर रहे थे, उनके मजदूर लोग थे, पॉलिश करनी वगैरह उसको सफाई कर रहे थे, इसमें कुछ तत्व आए और ज़बरदस्ती दादागिरी करने, हम तो निकलेंगे भाई, गीला माल हैगा, बेकार हो जाएगा रेट। कल कितने बजे घटना है? जो है कि 9-10 के बीच की। हाँ, पुलिस बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर शासकीय गर्ल्स कॉलेज व एक निजी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित हुए। बिरसा मुंडा के विचारों से सभी को अवगत कराया गया, समाज सेवियों ने दी जानकारी। इन्होंने उनके प्रभाव में आकर इन्होंने भारतीय संस्कृति, रामायण, महाभारत सबका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वहाँ के लोगों को उन्होंने बताया कि उन्हें सपने में उनके जो देवता हैं सिंहभौमा, उनके दर्शन हुए, तो उन्होंने लोगों ने कहा कि जो किया गया जाना जाता है और इनकी इनकी बात को सब लोग पालन करने लगे। तो उन्होंने जो जनजातीय लोगों में
पशु बलि का विरोध करवाया, मदिरा का विरोध करवाया, शिक्षा का काम किया और साथ साथ सब लोग नहा धोकर ही भोजन करेंगे, ऐसे कुछ नियम बनाए जिससे उस क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आया। पर कुछ लोगों ने ये बताया कि ये अंग्रेजों के विरोध है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को लगान देने से मना कर दिया। आज जन नायक बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जो आदिवासी समुदाय के होते हुए भी उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ में उस क्षेत्र के जो आदिवासी वर्ग थे, चाहे उराव हों चाहे मुंडा जनजाति के लोगों को, छोटा नागपुर और पूरे देश के लोगों को प्रेरणा स्रोत बने और राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे अंग्रेजों का विरोध करना है, कैसे आम लोग उनका सहयोग कर सकता है, इसका उन्होंने प्रेरणा दी। हमें इस बात का गर्व है कि हमारी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस जननायक के लिए एक आदिवासी जयंती मनाकर उनको सम्मान दिया। हम इस संदर्भ में सरकार के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतना प्रेरणा स्रोत काम किया। कौन से स्कूल पढ़ते हैं आप? बशाना हायर सेकेंडरी स्कूल। आज किनकी जयंती है? बिरसा मुंडा जयंती। क्या मैं क्या थे वो, क्या बताया सर ने उनके बारे में? बिरसा मुंडा एक जन नायक थे जो आदिवासी लोगों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आदिवासी लोगों के लिए वो एकदम एक टाइप के भगवान थे। उन्होंने मतलब उन लोगों को रहना सिखाया कि वो कैसे कैसे रह सकते हैं, कि हमें कैसा रहना कैसे रहना चाहिए अपने हक के खिलाफ। मतलब उत्कृष्ट विद्यालय आज शासकीय गर्ल्स कॉलेज में अमर शहीद बिरसा मुंडा को स्मरण करने के लिए आज उनकी जयंती भी है और आदिवासी गौरव दिवस भी सरकार द्वारा घोषित दिवस है। उसके उपलक्ष में यहाँ एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। उसमें मुझे बिरसा मुंडा जी के व्यक्तित्व के बारे में बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं यहाँ पर मैं आया और कार्यक्रम का संयोजन असमुरारी जी, जो हिंदी के यहाँ अध्यापक हैं, अध्यापक मतलब प्रोफेसर, ये नहीं आदमी समझ लीजिए कि प्राइमरी टीचर, अध्यापक बड़ी चीज़ होती है, बेसिक बात है। और ओजस्विनी जोहरी जी, कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर मंजू जैन जी, इन सब के सहयोग से बहुत अच्छी गोष्ठी हुई। दो उल्लेखनीय बात ये रही कि दो छात्राओं ने भी बिरसा मुंडा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस तरह के कार्यक्रमों से ही नई पीढ़ी में हमारे जो शहीद हैं, जो इस देश को इनको आज़ाद कराने में जिन सबका अलग अलग ढंग से योगदान रहा, उनके बारे में जानकारी मिलती है, उनके जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है। नंदन मिश्र, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय कन्या महाविद्यालय विदिशा। आज बिरसा मुंडा जयंती है जिसे शासन ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। इसी क्रम में हम अपने महाविद्यालय में बिरसा मुंडा पर एक विशेष कार्यक्रम, जिसमें आज व्याख्यान भी है और आलेख लेखन भी है, बहुत सारी लड़कियों ने वह लिखकर जमा किया है, वह भी एक प्रतियोगिता की तरह है। और व्याख्यान में हमने श्री गोविंद देवलिया जी को आमंत्रित किया था और इसमें हमारे प्राध्यापकों ने भी और हमारी छात्राओं ने भी बिरसा मुंडा को बहुत अच्छे तरह से याद किया। इतिहास जिन पर चुप है उसे हम लोग याद कर रहे हैं ताकि लोग जाने समझें और उनके योगदान के प्रति सम्मान भाव प्रदर्शित करें। भगवान बिरसा मुंडा, हमारी पार्टी ने उनको भगवान का दर्जा दिया है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भगवान बिरसा मुंडा सबकी उन्नति करें, प्रगति करें, ऐसी मेरी आशा है। खेल स्टेडियम में 41वीं जूनियर राष्ट्रीय शूटिंग बॉल स्पर्धा का फाइनल मैच संपन्न हुआ। कई राज्यों की टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। विजेता टीम के खिलाड़ियों का सम्मान पुरस्कार देकर किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। सही है।
खरीफाटक क्षेत्र पुरानी रेलवे क्रॉसिंग बंद गेट क्षेत्र में रेलवे विभाग द्वारा अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। ज्ञात हो कि उक्त क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग फाटक बंद होने से व्यापार पर काफी असर पड़ा था। अब अंडरब्रिज निर्माण कार्य चालू होने से लोगों में हर्ष है, फिर से उक्त क्षेत्र में आवागमन प्रारंभ हो सकेगा। बेतवा नदी में बाटरवक क्षेत्र के पास एक महिला राजकुमारी वाई जाटो के नदी में डूबने से होमगार्ड जवानों द्वारा मोटरबोट के सहारे तलाश की जा रही है। भैया क्या नाम था इन महिला का? मैं डाल दो सर। डाल दो। ये हमारे गांव के लोग भी आए और गांव के भी आए, गांव के यादव भी आए। है और आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हो? मेरा नाम प्रकाश सिंह सलावट है और जो डूबी है वो राजकुमारी भाई मेरी बड़ी बहन थी। कहाँ रहते हैं तुझे? ये गणेशपुरा। क्या बात है, क्यों डूबी? आपस में लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में। पति तो आज भी नशे में पड़ा है, यहाँ नहीं आया जबकि हम तीनों भाई आए हैं। क्या चल रही है ढूंढाई? हाँ 11 बजे के बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ढूंढ लगे। समाज सेवी अरुण सोनी को मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उनसे हुई चर्चा, उनका क्या कहना है सुनिए आप। प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं मानव अधिकार आयोग के। ये जो मानव अधिकार आयोग एवं सामाजिक न्याय आयोग है, ये जो संस्था है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहूँगा जो आप अपना अमूल्य समय निकाल करके मेरे पास आए इसकी जानकारी के लिए। इसके साथ ही मैं इस संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंजीनियर रविंद्र तोमर जी को भी बधाई दूँगा और उनका आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही हमारे इसके जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं लायन राजकुमार जी सराफ प्रिंस, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, इस लायक समझा है। वो उन सबको आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो संस्था है मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग, ये मानव के जो अधिकार हैं उनके प्रति जनता में अवेयरनेस लाने का कार्य करती है, उनको जागरूक करती है, उनके अंदर प्रेरणा भरती है, साथ ही ये सामाजिक कार्यों का भी संचालन करती है। हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि ये मानव अधिकार आयोग एवं सामाजिक न्याय आयोग जो संस्था है यह विभिन्न कार्य को करती आ रही है। इसने संस्था ने हमारे जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कोरोना काल में इसमें बहुत काम किए हैं, जिसकी जगह जगह भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। उन्होंने कई दिनों तक लोगों को खाना खिलाया, दवाइयाँ उपलब्ध कराई और अपने आप को हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने इस कार्य के लिए झोंक दिया था, जिसके दिल्ली के जो हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी थे उन्होंने तारीफ़ की
वहाँ के गोपाल राव जी जो मंत्री थे उन्होंने तारीफ की और कैबिनेट की और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कई संस्थान है, नीति आयोग ने उनकी भूरी भूरी उनके कार्य की प्रशंसा की है। आज की खबरों को देखते ही प्रभाव आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा दिल्ली संयम। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।